इंडिया से बाहर रहती है, काम के सिलसिले में इंडिया आई थी, सोचा जाके उससे शादी का न्योता दे दूं। शायद उस वक्त इसने फोटो खींची है। अरे वो मेरी कजन है, रिश्तेदार है और शायद हमारे शादी में भी है। इतना घिनौना इल्जाम लगा कर ना इसने आज मेरा दिल दुखा है। दिल्ली की फ्लाइट में होगी, नहीं तो आप सबकी बात भी करा देता मैं, सब पता चल जाता आपको। इतने सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं लेकिन आज तक कभी तुमने उस लड़की का जिक्र नहीं किया। तुम्हारी बहन की शादी मेरे भाई से हुई है लेकिन फिर भी तुमने इस बात को बताना ठीक नहीं समझा और आज अचानक से वो लड़की तुम्हारी बहन बन गई। नहीं बताया था क्योंकि लवीना का परिवार उस वक्त एक बुरे दौर से गुजर रहा था। एक घोटाले में फंसाया गया था, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि श्वेता की शादी पर इसका असर हो। आप सब जानते कि प्रेस वाले कैसे बात का पतंगड़ बना देते, घर के बाहर खड़े हो जाते, क्या करते हम? श्वेता आप दोनों चुप क्यों? बताइए ना, आपसे छुपाने की कोई बात ही नहीं, अरे बोलिए ना। हाँ रवि पुत्र, ये सच है, हमने ये बात जानबूझकर छुपाई थी। हाँ जी वीर जी, सच कह रहे। तो यकीन हो गया ना आप सबको? कमाल का आदमी है यार, दो मिनट में पूरी कहानी लिख दी, स्क्रीन प्ले लिख दिया और कैरेक्टर का रिश्ता भी बदल दिया। मुझे तो राइटर होना चाहिए था, ये एमएलए शैमएलए कहां से बन गया रे तू? चलो मान ली कि तेरी कहानी सच, लेकिन होटल के उस रजिस्टर का क्या जहां पर तूने रूम बुक किया था मिस्टर एंड मिसेस साकेत कपूर के नाम से? कजन सिस्टर को अपनी वाइफ बना दिया तुमने, कभी कोई भाई ऐसा करता है क्या? अपनी बहन को अपनी वाइफ बनाता है क्या? किस रजिस्टर की बात कर रहे तुम? ऐसा कुछ नहीं लिखा उस रजिस्टर में, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं किसी होटल में नहीं गया था। झूठ बोल रहा है तू, सरेआम झूठ बोल रहा है तू, और तुझे भी मालूम है। ठीक है, अगर आपके हिसाब से मैं झूठ बोल रहा हूँ और ये सच्चा आदमी है ना, तो चलो मेरे साथ, मैं आप सभी को उसी होटल में लेके जाता हूँ जहां पर इसने रूम बुक किया था। क्या बोलते हो? चले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा अभी क्या अभी? बस कर अपनी ड्रामेबाजी, बहुत मुंह खोल लिया तूने। जब सकेत जी खुद कह रहे हैं, उनकी माता जी कह रही है और तेरी अपनी भाभी कह रही है कि ये सब सही है, अब तीन तीन लोग तो गलत नहीं बोल सकते ना। और रब का वास्ता है, वो ये रस्म पूरी होने दे। तूफान खड़ा करके रख दिया है। दादी जी आप इन पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। बहुत पछताएंगी आप। एक तो मैं तेरी दादी नहीं हूँ और दूसरा ये हमारे घर का अपना मामला है जिसे हम खुद सुलझा लेंगे, बिगानों के मशवरे की लोड नहीं है हमें। तू तो मेरी कट्टर दुश्मन का बेटा है, क्या पता उसी ने तुझे समझा बुझा के ये सब करने के लिए भेजा हो। पर बीजी एक बार जाके अब सिर्फ रजिस्टर ही तो चेक करना है ना, उससे सारी बातें साफ भी हो जानी है, कौन सही है और कौन गलत। तेरी इतनी हिम्मत रेखा रानी कि मेरे फैसले पर सवाल उठा रही है? हाँ बीजी बिल्कुल सही सुना आपने। रेखा चल यहाँ से, आज मुझे किसी की नहीं सुननी और बीजी आपकी भी नहीं। इस परिवार ने कभी मेरी सोच को अहमियत नहीं दी, ना ही कभी कुछ मुझसे पूछा। बीजी वो मेरी बेटी है और मेरा हक बनता है हर चीज जानने का। ये कौन से हक की बात कर रही हो तुम? देविका मेरी बेटी है और उसकी जिंदगी के फैसले लेने का अधिकार सिर्फ मेरा है। सही कहा बीजी आपने, देविका पे एकमात्र सिर्फ आप ही का अधिकार है। पर माफ कीजिएगा वीर जी, एक बात मुझे समझ में नहीं आई, आपकी पत्नी यानी देविका की माँ, जब उनकी मौत हुई तो सारा दोष आपने इस छोटी सी बच्ची पे डाला था, क्यों? क्योंकि जब परजाई की मौत हुई तभी देविका का भी जन्म हुआ था, तब कहाँ गए थे आपके फर्ज?
तब कहाँ गए थे आपके सारे अधिकार? वीर जी, जब अधिकार की बातें होती है ना, तब फर्ज भी निभाए जाते हैं। और आपके पास जब फर्ज निभाने का वक्त था, तब आपने सारा बोझ देविका के चाची के ऊपर थोप दिया और खुद तो गायब हो गए। मैंने उसको माँ की ममता दी, मैंने उसको पाल पोस कर बड़ा किया। उसमें और मेरे दोनों बेटियों में मैंने कभी कोई फर्क नहीं रखा। हमेशा देविका को सबसे ज्यादा प्यार दिया, उसके पिता का और उसके माँ का भी। और आपने क्या किया वीर जी? एक पिता होने के नाते दो मीठे बोल उससे नहीं बोले, ना ही उसके पिता होने के नाते उसके सर पे कभी हाथ रखा, उससे उसकी सुख दुख की बातें की। मैंने संभाला इस चुटकी को, इन हाथों से बड़ा किया है उसे, मैंने अपने संस्कार दिए है उसे। और आज आप मुझे अधिकार की बात कर रहे हैं? वीर जी, मैं हूं देविका की माँ और मुझे पूरा हक बनता है उसके बारे में, उसकी जिंदगी के बारे में हर चीज की जांच पड़ताल करने की। चाहे कुछ भी हो जाए वीर जी, मैं अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करूंगी। ना मुझे आप रोक सकते और ना ही बीजी। रवि, तुम कौन से होटल की बात कर रहे थे? तुम मुझे लेके चलो, मैं आऊंगी तुम्हारे साथ, हम जांच पड़ताल करेंगे। चलो, मैं भी चलूंगा रेखा तेरे साथ। चलो, मैं भी चलूंगी साथ में। लेकिन एक बात ध्यान से सुन ले रवि, ये तेरे लिए आखिरी मौका है। इसके बाद मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। ठीक, चलो। तू, मैं भी इन लोगों के पीछे जाऊं? नहीं नहीं, तुम क्या करोगे? शेखर तो गया हुआ है। पर दद्दू, चलो सब लोग अंदर चलो। चलो आओ। अब साक्षी, तुझे क्या लगता है साकेत जो बोल रहा था वो सच है? पता नहीं यार, आई जस्ट विश रवि जो कुछ भी बोल रहा है वो सही निकले, क्योंकि जब तक एक गलत कपल अलग नहीं होगा तब तक एक सही कपल पास कैसे आएगा? हाँ यार, मैं भी यही चाहती हूँ। एक सेकेंड, तूने तो मुझे बताया था कि रवि दी को प्रपोज करने वाला है। एक्चुअली आई गेस्ट इट रॉन्ग। साक्षी, वो रवि के भाई ने कहा था कि वो कोई सनसनाती खेस खबर सुनाने वाला है, तो मुझे लगा कि प्रपोजल से ज्यादा बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और क्या हो सकती है। पर ये न्यूज तो इक्वली खतरनाक है यार। हाँ, लेकिन जो भी है मानना पड़ेगा, रवि में हिम्मत तो बहुत है, वरना कि जैसे इंसान का पर्दाफाश कर रहा। इसे हिम्मत नहीं, मोहब्बत कहते हैं। वैसे भी रवि को खुद नहीं पता कि उसके दिल में क्या चल रहा है, वो क्या फील करता है। पता नहीं ये दोनों कब जागेंगे। बस आई होप बहुत जल्द। एनीवेज अंदर चलते हैं, ये बहुत परेशान है। ये आदमी देविका को लेकर इतना पागल हो चुका है कि ये चाहता है कि देविका जिंदगी भर इसकी गुलाम बन के रहे, जिंदगी भर देविका पर कंट्रोल रखे, उस पर काबू रखे। इसीलिए ये आदमी आप सभी को बेवकूफ बना रहा है, आपको धोखा दे रहा है, आपके जज्बातों के साथ खेल रहा है। और जब आपको इस आदमी की सच्चाई मालूम होगी ना, आप सभी के होश उड़ जाएंगे। और वो सच ये है, इस आदमी का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। और ये भी हो सकता है कि इस आदमी ने उस लड़की के साथ छुपकर शादी भी कर ली हो। साथ ये सब क्यों हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या सही है क्या गलत है मुझे नहीं पता। लेकिन आप ये सब क्यों कर रही है मेरे साथ? इस घर के बड़ों ने मेरे लिए जो फैसला किया उसको अपना फर्ज समझकर कबूल कर लिया मैंने। किसी से कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं पूछा, तो
फिर इतनी उलझने क्यों? जो भी हालात है उन्हें सर झुकाकर माना है मैंने, पर रोज एक नई मुसीबत कैसे आ खड़ी होती है? ऐसी क्या गलती हो रही है मुझसे जो मेरे हालात ऐसे हो गए हैं?